ये है द 42 बिल्डिंग। सो देखो कोलकाता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और अचानक से एक प्लान बन गया है मेरा और मेरा कुछ फ्रेंड्स का कि हम लोग सुबह सुबह जाएंगे, थोड़ा सा सुबह सुबह जो कोलकाता का वेदर होता है वो दिखाना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी ठंड पड़ रहा है, 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। तो अभी हम लोग का अचानक से प्लान बन गया था। तो अभी बज रहा है 6:30, तो अभी हम लोग रेडी होंगे। रेडी होकर अभी मैं जाऊँगा अपने दोस्त के घर नहीं, रास्ते से उसको पिकअप करूँगा और पिकअप करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे पार्कस्ट्रीट मैदान। सो मैदान एक जगह का है जो कोलकाता में, और जो लोग कोलकाता से उनको तो ऑब्वियसली पता होगा कि मैदान क्या जगह है। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, चलो वहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो चलो सीधे रेडी होके मिलते हैं बाइक पे और गोप्रो में सीधा बात होगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो अभी बज रहा है सुबह का 7 और देख ही पा रहे हो कितना कुहासा है, इसको फॉग और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग हाथ में और बॉडी में। तो सडनली कल रात मेरे फ्रेंड ने एक प्लान बना दिया कि भाई सुबह में फ़ोटोग्राफी करना है फॉग में, और फॉग में फ़ोटोग्राफी करने से कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी होता है। तो इसी प्लान के तहत हम लोग अभी निकल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ, मैं जाके वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलूँगा। मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, तो अभी मिलूँगा अपने दोस्त के पास जाऊँगा, उससे मिलूँगा और उसको लेके फिर और एक दोस्त के पास जाना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वैसे हम लोग तो प्लानिंग किए थे कि सुबह 6 बजे मीटअप करने का, बट इतना ही ज़्यादा अंधेरा था और देखो अभी तक सूरज भी नहीं निकला है और ठंड उतना ही ज़्यादा लग रहा है। भाई क्या ही बताऊँ, और तेरी तो माय गॉड, लो वहाँ पे खड़ा है बेचारा, सोच रहा है दोस्तों का कोई वेट नहीं कर सकता, लेकिन वही लड़की का वेट करना हो, माय गॉड। क्या भाई रेडी? अरे भाई तो पूरा नया नया ड्रेस मॉडल से क्या बात है। चलो एक और पगला को फोन किया जाए। वो तो डायरेक्ट वहीं पे आएगा। हाँ चल वहीं खाएंगे। ओह अच्छा, वहीं पे खाएंगे, चल मैदान में इसको फोन करना। हम भी कुछ खाए नहीं है, मुंह धो के आ गए। हाँ भाई कुत्ता है, तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं अभी मैदान। सो देखो मेरे अपोजिट में ये है द 42 बिल्डिंग। सो देखो कोलकाता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग। और चल आगे कहीं रुकते हैं। अच्छा ठीक है, रुक जा, पहले फोन करते हैं इसको। सो ये है मैदान फील्ड, ऐसा लग रहा है यहाँ पे खेती होता है। ब्राउन ब्राउन घास हो गया है एकदम से, और एक्चुअली ये बहुत बड़ा फील्ड है। लाइक हमको तो लग रहा है एक बीघा जमीन में भरा पड़ा है फील्ड। अब आगे का रास्ता मुझे भी नहीं पता। सो एक्चुअली में मेरा दोस्त जो है वो है पार्कस्ट्रीट की तरफ, और हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। पीछे मतलब 2 गेट है इस फील्ड में आने का, तो उसको अभी लाने जाना होगा क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है। पता नहीं यार कहाँ घुस रहा हूँ, मुझे तो मेरा बाली है मेरा भाई, घुस जाऊँगा। अयो यो 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 भाई मेरा दिख गया, चलो भाई के पास। हाँ वही बोले दौड़ने वाला जगह पे। बोल भाई बोल।
बाइक तो अपना गाड़ में दीजिए ना। ऐ तो भाई एबार शुरू होवे हैं की तो 18 में पास है ना कते है হ্যাঁ ওটা ভালোই তো ফর হচ্ছে স্টেবিলাইজেশন কিরকম আসছে ওয়াইড আসছে ভালো ওয়াইড আসছে না চল দেখি তাহলে আমার 15 আছে ভাই 15 তো আরামসে রে আমি তো বলছি আমি দেখেছিলাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকঠাকই আসছে না এটা হাতে বেশি স্ট্রেচ করতে হচ্ছে স্ট্রেচ করতে হবে না একটা ডান্ডি নিয়ে নিবি স্টিকটা তো ওটা দিয়ে তোর হয়ে যাবে হাত দিয়ে ধরেই তো ऑल राइट दोस्तों सो अभी हम लोग थे मैदान फील्ड पे आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा एक फील्ड है सो बेसिकली हम लोग आए थे यहाँ पे फॉग का जो वाइब होता है मॉर्निंग टाइम का जो वाइब होता है उसको ही कैप्चर करने के लिए थोड़ा आए थे तो अभी मेरे साथ था मेरा दो फ्रेंड आप लोग देखा वीडियो में जैसे तो अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे मल्लिक बाज़ार फ्लावर मार्केट मल्लिक बाज़ार फ्लावर मार्केट काफ़ी फेमस मार्केट है एक तो वहाँ पे हम लोग भी विजिट करेंगे और वहाँ से कुछ ऐसा मोमेंट्स कुछ ऐसा कलरफुल फ्लावर्स का पिक्चर या वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं और आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे चलो फिर मिलते हैं वहाँ पर।